हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू सेक्शन बी. दिस इज़ अ पोम वॉयज. वॉयज पोएम है जो कि हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट द वॉयज. सो सबसे पहले हम वॉयज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉयज? सो वॉयज मीन्स जल यात्रा, मतलब कि आपका कहीं भी ट्रैवलिंग करना, जैसे पोंड में, लेक में, स्ट्रीम में. ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो बहुत ही छोटा है और उसमें एक इमेजिन किया है कि अगर वो एक पेपर बोट बनाता तो वो कहाँ कहाँ ट्रैवल करता, कहाँ कहाँ वॉयज करता, कहाँ कहाँ जल यात्रा करता. ठीक है, तो आई विल मेक अ प्रीटी पेपर बोट. मैं एक बहुत सुंदर प्रीटी बोट बनाता. वो इमेजिन कर रहा है फॉर द फ्यूचर, तो वो ये कह रहा है कि मैं एक ऐसी बहुत ही सुंदर प्रीटी बोट बनाऊंगा एंड फ्लोट इट ऑन द पोंड. और उसे कहाँ पे फ्लोट करने के लिए कहूँगा? पोंड में. तो मैं एक बहुत ही सुंदर प्रीटी बोट बनाऊंगा और उसे फ्लोट करने के लिए पोंड में छोड़ूंगा. आई स्टीयर इट ऑल अलोन. अलोन स्टीयर होता है मार्ग पर लाना, मतलब कि स्टीयर जो हम जैसे गाड़ी चलाते हैं तो स्टीयर हमारे हाथ में होता है, जहाँ चाहे हम मोड़ देते हैं, है ना. तो ऐसे ही इसको स्टीयर कहाँ पे करूँगा, ऐसे मार्ग पर करूँगा जहाँ पर मैं अकेला ही अकेला हूँ. एंड सेल अवे बियॉन्ड, और उस नाव को मैं इतना दूर चलाऊँगा जो कि पूरे 7 माउंटेन्स और 7 सी से भी आगे चले. सी हियर द 7 माउंटेन्स 7 सीज. 7 माउंटेन्स यहाँ पे 7 समुद्र और नहीं है, यहाँ पे आपके 7 कॉन्टिनेंट जो हैं, 7 ओशन जो हैं उसको मेंशन किया गया है. तो वो कहाँ इमेजिन कर रहा है? फ्रॉम द बियॉन्ड 7 माउंटेन्स और 7 सीज, बहुत आगे अकेले अकेले उसी नाव पर सवार करने की जहाँ पर कोई ना हो, सिर्फ माउंटेन्स हो, 7 सीज माउंटेन्स हो और वह अकेला हो. आगे बढ़ते हैं. बियॉन्ड द 7 skies. बियॉन्ड द 7 skies मतलब कि 7 skies से भी आओगे, बहुत आसमान से भी बहुत ऊपर. अंटिल आई रीच द किंगडम वेयर द मेयर्स हैव रूबी आईज, मतलब वहाँ पर पहुँचना चाहता है. कहाँ पहुँचना चाहता है? ऐसे किंगडम में पहुँचना चाहता है, दूर ऐसे किंगडम में पहुँचना चाहता है जहाँ पर क्या हो है? उस किंगडम में The mares have ruby eyes, मतलब यहाँ पे mares आपके को क्या होती है? घोड़ी होती है. ठीक है, जिसकी ruby eyes होती है. ruby eyes मतलब उसकी बहुत सुंदर eyes होती हैं. कभी आपने ध्यान दिया हो तो mare की eyes बहुत ही सुंदर होती है. तो उस eyes, बहुत सुंदर eyes को रेफ़र करते हुए बता रहा है कि वह वहाँ जाना चाहता है. I'll make a simple paper boat. मैं ऐसा एक सिंपल पेपर बोट बनाऊँगा एंड फ्लोट इट ऑन द स्ट्रीम, और उसे कहाँ फ्लोट करने के लिए, तैरने के लिए कहाँ छोड़ूंगा? स्ट्रीम में. स्ट्रीम क्या होती है? नदी की धाराएं जो होती है, तो वहाँ पे अपनी पेपर फ्लोट जो है करना चाहता है पोएट. माय पेपर बोट विल सेल अवे, और वो उस पेपर बोट को इतना दूर ले जाना चाहेगा एज अ सॉफ्टी एज अ ड्रीम. जैसे हम ड्रीम लेते हैं बड़े ही सॉफ्ट, बड़े ही आराम से, हमारी ड्रीम जो है कब आ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, ऐसे ही हमारी जो बोट है वो बहुत ही आराम से आगे चली जाएगी, बहुत आगे. बियॉन्ड द 7 waterfalls. वाटरफॉल्स आपने देखा है, बहुत सुंदर झरना होता है जहाँ पे जो है झरने आप पहाड़ों पे देखते हैं, हिल स्टेशन पे देखते हैं, उससे भी कहीं बियॉन्ड द 7 waterfalls. और कहाँ पहुँचेगा वो? टू द किंगडम ऑफ द वाइज. वाइज क्या होता है? इंटेलिजेंट, जहाँ पर सभी लोग क्या हो, वाइज हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो. वेयर ड्रीमी ड्राउसी एलिफेंट्स. ड्राउसी मीन्स सुस्त. जहाँ पे ड्रीमी मतलब कि बहुत ही आराम करते हुए, नींद लेते हुए ड्राउसी एलिफेंट नज़र आए, यानी मस्ती करते हुए एलिफेंट नज़र आए, पूरा इंजॉय करते हुए अपनी लाइफ में. आगे क्या कह रहे हैं? हैव एमरल्ड फॉर आइज, मतलब उनकी आइज में क्या है? प्रीशियस ग्रीन कलर का एक स्टोन होता है, उसको रेफर किया गया है यहाँ पे. बहुत ही प्यारा स्टोन एमरल्ड्स. एमरल्ड्स कभी आपने देखा हो, ग्रीन कलर का स्टोन होता है, बहुत ही सुंदर होता है जो. तो ऐसा ही स्टोन उनकी आँखों में बताया गया है एलिफेंट की.
आगे देखें पोइट इमेजिन करते हुए क्या कहता है, आई मेक अ लवली पेपर बोट, मैं ऐसे एक सुंदर पेपर बोट बनाऊंगा एंड फ्लोट इट ऑन अ लेक, और उसे कहाँ तैरने के लिए छोड़ूंगा, लेक में, अनटिल आई रीच सम डिस्टेंट शोर, शोर होता है किनारा, डिस्टेंट दूर जाके, मतलब कहाँ पे पहुँचना चाहेगा, बहुत दूर कहीं किनारे पर पहुँचना चाहेगा, आई बी वाइड अवेक, और उस और मैं जब तक जगा रहूँगा जब तक मैं उस किनारे पे नहीं पहुँच जाता, कौन से किनारे पे, आई पास बियॉन्ड द सेवन वर्ल्ड्स, सेवन वर्ल्ड्स तो आपने देखे ही होंगे, आपको पता तो हो गई, तो सेवन वर्ल्ड्स को भी पास करते हुए उनसे भी कहीं दूर आगे जाएगा, कहाँ पहुँचेगा, टू डियर वेयर नथिंग डाइज, जहाँ पर कोई मरता नहीं है, बिकॉज इट्स लिटल चिल्ड्रन, क्योंकि उनके जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, हैव हैवन इन दियर आई, क्योंकि छोटे बच्चों की आंखों में क्या होता है, छोटे बच्चों की आंखें बड़ी प्यारी होती है, और क्या होता है, उनकी आंखों में स्वर्ग होता है, उनकी आंखों को देख के ऐसा लगता है जैसे हम कहाँ पर हो, स्वर्ग में हो, बिकॉज इट्स लिटल चिल्ड्रन हैव हैवन इन दियर आईज, क्योंकि उनकी आंखों में स्वर्ग नजर आता है छोटे बच्चों की आंखों में, नहीं है ना, यस। तो पॉइंट इमेजिन कर रहा है ऐसे वर्ल्ड में पहुंचने की जहां उसे पूरा पेपर में पेपर बोर्ड बनाकर कहाँ पहुँचे वो, जहाँ बहुत ही सुंदर स्ट्रीम्स हो, बहुत ही आगे जाकर उसे मेयर्स की रूबी आइज़ से मिलना चाहता है वो, एलिफेंट से, ऐसा जो ड्राउजी एलिफेंट्स हैं उनकी तरह रहना चाहता है और पूरी मस्ती करना चाहता है जहाँ कोई ना हो, सिर्फ वो अकेला एंजॉय करे। सो होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना ताकि इसके क्वेश्चन आंसर आपको साथ के साथ मिलते रहें, और आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं वॉइस क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टू ऑल।